डॉक्टर माते हॉस्पिटल, पुणे महाराष्ट्र, 21 में 22 में एक एक कोविशील्ड का वैक्सीनेशन अवेलेबल। डॉक्टर माते हॉस्पिटल, पुणे महाराष्ट्र, 21 में 22 में फुल्ली बुक्ड, फुल्ली बुक्ड। आखिर एक ही वेबसाइट में दो अलग अलग जगह में दो अलग अलग रिजल्ट्स क्यों? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिलहाल तो पूरे विश्व में वैक्सीनेशन लगाने का एक होड़ चला हुआ है। हमारे देश में भी सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। जैसे आप पता ही होगा, वो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू covin.gov.in वेबसाइट के थ्रू आप वैक्सीनेशन का स्लॉट्स वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। किस हॉस्पिटल में, आपके लोकेशन के आसपास कौन से हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, कौन से हॉस्पिटल में कितने स्लॉट्स खाली हैं, ये सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाते हैं। लेकिन इस वेबसाइट में एक इशू मुझे आज दिखी है। मैं चाहता हूँ वो इशू सबके साथ शेयर करूँ, ताकि फ्यूचर में आप जब भी इस वेबसाइट में आते हो तो आपको पहले से पता हो कि यहाँ पर एक इशू है, उसको कैसे आप बाईपास भी कर सकते हो, मैं वो भी आपको बताऊँगा। चलिए, पहले मैं इस वेबसाइट के बारे में, आपको सबको पता ही होगा फिलहाल, फिर भी मैं एक बार थोड़े से शॉर्ट में बता देता हूँ। इस वेबसाइट में दो चीज़ आप बेसिकली कर सकते हैं। पहला हो गया, ऊपर आप रजिस्टर या साइन इन कर सकते हैं। ये आपको क्यों करना पड़ता है? आप जब भी अपने वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो पहले आपको मोबाइल नंबर के थ्रू 4 मेंबर्स को मैक्सिमम अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो आपको पहले रजिस्टर साइन इन ऑप्शन में जाके करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन आप देखे होंगे नीचे, चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट्स अवेलेबिलिटी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन रहते हैं, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। सर्च बाय पिन, अपने लोकेशन का पिन कोड डाल दीजिए, वहाँ पर आपके लोकेशन के आस उस पिन कोड के आसपास जो भी हॉस्पिटल्स अवेलेबल है जहाँ पर यह वैक्सीनेशन कोविड का दिया जा रहा है, वो लिस्ट आपको दिखा देगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है डिस्ट्रिक्ट, सेम ऑप्शन। इस पर आप पहले स्टेट सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से स्टेट का आप डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, आपको उसके बाद डिटेल्स दिख जाता है कि आपके लोकेशन में कौन कौन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन स्लॉट्स दिया जा रहा है और कौन से हॉस्पिटल में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाने से पहले मैं अपने आप को साइन इन कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अब इसी मोबाइल नंबर पे मुझे एक OTP आएगा। उस OTP को मैं डाल देता हूं। ओके, OTP डालने के बाद आपका जो पेज खुलता है, यहां पर मैं अपने दो फैमिली मेंबर्स को मैं ऑलरेडी ऐड किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर आपको भी, आप जिनको जिनको ऐड किए हुए वो यहाँ पर डिटेल्स रहेगा, नाम, उनका रेफरेंस आईडी, सीक्रेट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ और जो फोटो आईडी या आईडी कार्ड से आपने रजिस्टर किया वो रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, राइट साइड में आपको शेड्यूल दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जिनको वैक्सीनेशन के लिए आप बुकिंग करना चाहते हैं उनके नाम के सामने शेड्यूल को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ आपको एक पेज खुलेगा जो बिल्कुल होम पेज में जैसे आपको सर्च ऑप्शन रहता था, उसी टाइप का सेम सर्च ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार होम पेज में वापस चलते हैं। इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए अब सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक स्टेट लेता हूँ, जैसे महाराष्ट्र, इसका कोई एक स्टेट ले लेता हूँ पुणे, इसमें मैं सर्च करता हूँ। देखिए, सर्च किया तो मुझे फिलहाल 19 मई 2021 से 25 मई 2021 का कौन कौन से हॉस्पिटल्स और उनके अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कोई हॉस्पिटल में अवेलेबल है क्या स्लॉट। यहाँ पर एक, हाँ, डॉक्टर माते हॉस्पिटल में 21 मई और 22 मई को एक एक वैक्सीनेशन का स्लॉट खाली है, दिखा रहा है कोविशील्ड का। लेकिन इस होम पेज से आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं स्लॉट्स का। इसके लिए मुझे उस पेज में जाना पड़ेगा जहां पर मैंने मोबाइल नंबर देके OTP के थ्रू लॉगिन किया था। वहां पर भी चलिए सेम सर्च करते हैं, स्टेट महाराष्ट्र एंड
डिस्ट्रिक्ट पुणे। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स आपको दिखा रहा है 19 मई से लेके 25 मई तक का। चलिए यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर माते हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पर भी है डॉक्टर माते हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पर 21 मई और 22 मई को फुल्ली बुक्ड दिखा रहा है, जबकि होम पेज में दिखा रहा था खाली है 21 और 22 मई में एक एक स्लॉट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वो लॉगिन पेज में जाने तक में ये रिफ्रेश हो गया होगा, मे बी बुक्ड हो गया होगा, तो चलिए मैं इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। फिर से सर्च मार लेता हूँ महाराष्ट्र और डिस्ट्रिक्ट पुणे। चलिए देखते हैं बुक्ड हो चुका है क्या। देखिए अभी भी यहाँ पर डॉक्टर माते हॉस्पिटल में 21 और 22 मई को एक एक वैक्सीनेशन स्लॉट्स खाली दिखा रहा है, जबकि मेन जहाँ से आप बुकिंग करते हो उस पेज में खाली नहीं दिखा रहा है। चलिए होम पेज में देखते हैं और कोई हॉस्पिटल है क्या यहाँ पर कोई स्लॉट्स खाली। देखिए यहाँ पर जलगांव केपीएससी में 24 मई को 2 कोविशील्ड का वैक्सीनेशन स्लॉट दिखा रहा है। चलिए आप बुकिंग पेज में चलते हैं, वहाँ देखते हैं जलगांव। देखिए यहाँ पर जलगांव केपीएससी में 24 मई को फिर से फुल्ली बुक दिखा रहा है। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चल रहा है कि आप जब भी बुकिंग के लिए आप आते हो तो आप मेन पेज में अगर बुकिंग का सर्च करते हो कि कहां पर कितने हॉस्पिटल में क्या वैक्सीनेशन स्लॉट्स खाली है, तो मे बी इस होम पेज में आपको अपडेटेड रिजल्ट्स नहीं दिखाए। आपको एक्चुअल अपडेटेड रिजल्ट्स देखने के लिए आपको बुकिंग वाले पेज में ही जाना पड़ेगा, वहां पर आप सर्च करना, वहां पर आपको एक्चुअल अपडेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक इशू है इस वेबसाइट में। चूंकि होना तो चाहिए था कि होम पेज में जो रिजल्ट दिखाए वही सेम आपको बुकिंग पेज में भी दिखाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम पेज में अपडेटेड रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रहा है और बुकिंग पेज में अपडेटेड रिजल्ट्स दिखा रहा है। ये मुझे एक इशू दिखा था, मैं सोचा आप सबके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जान पहचान में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि आज के डेट में ये वैक्सीनेशन का बुकिंग इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली ये बुकिंग करना इतना हार्ड हो चुका है। अगर आप एग्जांपल ले तो मुझे लगता है IRCTC में तत्काल का टिकट बुक करना इससे ज़्यादा इजी है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।